हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरबल हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं टाइल्स के बारे में। अगर आप अपना मकान बना रहे हैं और उसमें टाइल्स कितनी लगेगी इस बात के लिए आप कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छा रहेगा। इससे पहले हम दो वीडियो लेकर आए जिनमें हमने बात की है 1000 स्क्वायर फिट के बारे में कि आपका कितना मटेरियल लगेगा, कितना परसेंट लगेगा। दो पार्ट में है, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देख लें। इससे पहले अपलोड हुए पार्ट वन और पार्ट टू आपको मैं नीचे आई बटन पर भी दे दूंगा, आपको आई बटन पर ऊपर साइड में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आज टाइल्स के बारे में कि टाइल्स कितना लगेगा आपको। सबसे पहले आप कुछ बेसिक समझ लीजिए कि जो टाइल्स है वो कितने टाइप की आपकी हो सकती है। अगर हम टाइप की बात करें तो एक तो होगी आपकी सबसे पहले फ्लोर टाइल, फ्लोर टाइल हो जाती है आपकी। उसके बाद फिर आपकी सेकेंड हो जाती है, अगर मैं सेकेंड की बात करूं यहां पर तो आपकी हो जाती है वॉल टाइल्स, वॉल टाइल्स हो जाती हैं। थर्ड की बात करूं मैं तो आपकी हो जाती हैं एलिवेशन के लिए टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स। और वैसे टाइल्स और भी रहेगी लेकिन हम बात करेंगे कुछ विशेष। उसके बाद आ जाएगी आपकी पार्किंग, पार्किंग के लिए जो आती है वो आ जाएगी पार्किंग के लिए पार्किंग टाइल्स। अब हम बात करने वाले हैं कि कितनी क्वांटिटी लगेगी। अब हमने कुछ बेसिक देख लिए कि जो टाइल्स है हमारी ये रहेगी उसमें फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एलिवेशन के लिए टाइल्स और पार्किंग टाइल। लेकिन हम जनरली जो लगाएंगे तो वो हम बात करेंगे फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स के बारे में। हम बात करते हैं अभी फ्लोर टाइल्स के बारे में, इनके साइज क्या आते हैं। मैं कुछ साइज के बारे में आपको बता देता हूँ, मार्केट में और भी साइज अवेलेबल है, आप अगर ये देख लेते हैं तो बाकी भी आप समझ लेंगे। अब देखिए, सबसे पहला साइज हमारा 2 फीट बाय 2 फीट का रहेगा, सेकेंड रहेगा हमारा 2 फीट बाय 4 फीट, 32 इंच बाय 32 इंच, 1 मीटर बाय 1 मीटर, ये हो जाती है हमारी फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स यानी जो कि जमीन में लगेगी। साइज और भी आते हैं लेकिन मैंने कुछ साइज आपके साथ शेयर किया हूं। हम बात करते हैं वॉल टाइल्स की, वॉल टाइल्स यानी कि जो हमारे किचन में लगती हैं और फिर कुछ डिजाइन के लिए लगती है अगर हम यूज करते हैं तो। जो एलिवेशन टाइल्स है और वॉल टाइल्स, इन दोनों में ये डिफरेंस आप समझ लीजिए। वॉल टाइल्स यानी हमारे किचन वगैरह में लगेगी और जो एलिवेशन टाइल्स है वो हमारे फ्रंट में लगेगी, जो हम एलिवेशन के लिए दिखाना चाहते हैं। वॉल टाइल्स की बात करें तो 10 इंच बाय 15 इंच की रहेगी, 10 इंच बाय 18 इंच की रहेगी, 12 इंच बाय 18 इंच की रहेगी, उसके बाद हमारी 24 इंच बाय 12 इंच की रहेगी और 36 इंच बाय 12 इंच की रहेगी। एक चीज और बता देता हूं मैं, 36 इंच बाय 12 इंच जो है ये मेट्रो सिटी में ज्यादा यूज होती है, मेट्रो सिटी में ये ज्यादा यूज होंगी। अब हम बात कर लेते हैं साइज के बारे में। मान लीजिए आप अगर एक प्लॉट साइज ले रहे हैं, इसमें देखिए प्लॉट साइज में एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर कि ये हमारा 50 बाय 20 का है, यानी कि इसकी जो लेंथ है हमारे पास हो जाती है 50 फीट और जो विड्थ है ये हो जाती है हमारे पास 20 फीट। अब 20 बाई 50 का हमारा एक प्लॉट साइज हो गया, हम इसमें निकालने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि ये हमारा मान लो अगर एक 20 बाई 50 का है तो होगा क्या कि हमारी यहाँ पर मान लीजिए दीवार आ जाती है हमारी फर्स्ट थिंग, उसके बाद फिर मान लीजिए हमारा यहाँ से गेट आता है एक, हम सामने से यहाँ से कुछ जगह से पोर्च निकाल देते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा आपको बराबर समझ में आता होगा, ये पोर्च हो जाता हमारा, यहाँ पर एक रूम हो जाता हमारा, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक हॉल हो जाता है, यहाँ से कुछ जगह में पोर्च और हमारी सीढ़ियाँ आ जाती है, उसके बाद मान लीजिए पीछे हमारे दो बेडरूम निकाल लेते हैं हम, एक बेडरूम ये, एक बेडरूम ये, और यहाँ कहीं हम मान लीजिए किचन निकाल लेते हैं और पीछे लेट बाथ वगैरह, मतलब जैसी भी प्लानिंग होती है वो आप अपने हिसाब से कर लेते हैं या अपने इंजीनियर जो नज़दीक में उससे करवा लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर वाल है मान लीजिए 1000 स्क्वायर फिट तो हो रहा है ये, मतलब 50 और ये 20 फिट, 50 और 20 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 50 फिट बाय 20 फिट, मतलब ये आपका 1000 स्क्वायर फिट हो जाता है, स्क्वायर फिट हो जाता है। अब 1000 स्क्वायर फिट हो जाता है लेकिन इसमें देखिए जो आपकी ऑलरेडी जहां पर दीवार बन चुकी है यानी वॉल बन चुकी है वहां पर तो आप टाइल्स लगाएंगे नहीं, उसके बाद कुछ ऐसी जगह रहेगी जो छूटी रहेगी वहां भी नहीं लगाएंगे, इस कारण इसमें आप कुछ 19-20 हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। मैं आपको जो बता रहा हूं वो अप्रोक्सीमेट आएगा आपका। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एरिया की, ये हमारा प्लॉट है एक, ये प्लॉट है, इसका एरिया हमने निकाले हैं प्लॉट का, तो हमारे पास आया लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि हमारा ये आ जाता है 50 बाय 20, ये हमारे पास मतलब इस हिसाब से हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का हमारे पास एरिया निकल जाता है, ये हो जाता है हमारा प्लॉट साइज।
अब हम बात करते हैं टाइल का साइज, हमको टाइल्स लगानी है, मान लीजिए हम देखिए अलग अलग भी निकाल के और फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं फ्लोर की 2x2 की लगा रहे हैं हम, बाकी आप इसको कुछ वॉल टाइल लगाएंगे उसका कैलकुलेशन करके ऐड कर सकते हैं, आप 2x4 32 इंच बाय आप जो भी चाहें वो साइज इसमें ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसकी तो लेंथ इंटू विड्थ टाइल्स की बात हो रही, टाइल्स की लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 2, यानी कि 2x2 ये हमारे पास 2 फीट बाय 2 फीट की हो जाती है, 2 फीट बाय 2 फीट यानी कि 4 स्क्वायर फीट और ये हमारे पास हो जाता है कितना 1000 स्क्वायर फीट। अब हमें जब साइज निकालना है तो हम अब किस हिसाब से करेंगे, अब यहां पर देखिए हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट टोटल प्लॉट एरिया, ठीक है 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास टोटल प्लॉट एरिया आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास ये जो इसका स्क्वायर फीट 4 स्क्वायर फीट आ जाता है, यानी कि ऊपर हमारे पास प्लॉट का साइज और नीचे हमारे पास टाइल का साइज, जो भी टाइल लेंगे आप वो नीचे आ जाएगा। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 250 नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, 250 नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि 2x2 की अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो 250 टाइल्स लगेगी। अब हमें एक चीज देखना है कि एक पेटी आती है, क्योंकि टाइल्स ऐसे खुले नहीं मिलती, वो मिलती है एक पेटी से, मान लीजिए एक पेटी है जो आपकी, एक पेटी में आपको 12 मिलती 16 मिलती 20 मिलती, वो देखना पड़ेगा आपको एक पेटी की भर्ती कितनी है। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो मैं मान के चलता हूं यहां पर कि 25 है एक में, मान लीजिए यहां पर 250 एक पेटी में 25 है, तो हम यहां पर 25 का अगर जैसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे को कितनी लग जाएगी 10 पेटी, इस हिसाब से करते हैं। अब मान लीजिए ये जो अलग साइज ले रहे हैं आप, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 10 पेटी यहां पर 250 नंबर आया हमारा, हम यहां पर देख लेते हैं 250 नंबर आया हमारा। अब 250 नंबर आया यानी कि एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर हम 5 to 10% जो है वो वेस्टेज लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका हम 10% वेस्टेज लेते हैं तो 250 का 10% हम वेस्टेज लेते हैं तो यहां पर आपका 1212 यानी कि यहां पर लगभग हमारा 25 जो हमें एक्स्ट्रा लगेगी, यानी कि 250 प्लस 25 टोटल हमारी हो जाएगी 275। अब वेस्टेज क्यों, क्योंकि साइड से हम काट के लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी लगा देंगे या फिक्स आ जाएगी, लेकिन कुछ जगह काटते हैं, कुछ जगह हम उसको फ्लोर के बाद ऊपर वाइल वॉल जो है उसमें भी चढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी आ जाती है 25 एक्स्ट्रा, तो 275 हो जाती। अब हम 275 के हिसाब से एक पेटी जो है हमारी तो 25 की है, तो हम फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो यहां कहीं पर आई थी कि 25 पेटी या कुछ आई थी जो हमारी, शायद हमने यहां कहीं कैलकुलेट किए थे 25, तो हमारी ये 10 जो आ रही थी तो इसकी जगह 11 हो जाएगी हमारी। यहां भी करके देखें हम तो 1 2 1 हमारी मतलब 11 पेटी आ जाएगी इस हिसाब से। फ्रेंड्स आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया हो, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है और साइट का है, आप विजिट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप हमसे बात करें, और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी विशेष सजेशन जो हमें दे सकते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।